प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हफ्ते में दूसरी बार यूपी पहुंचे। पीएम मोदी ने शाहजहांपुर में किसान कल्याण रैली में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राजीव गांधी पर तंज कसा। मोदी ने कहा कि एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि योजनाओं के लिए दिए जाने वाले एक रुपए में से 15 पैसे ही लोगों तक पहुंचते हैं। ये कौन सा पंजा था जो रुपए को घिस रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में दावा किया कि बीजेपी सरकार किसानों की सरकार है और 14 फसलों के एमएसपी में 200 से 1800 रुपए तक की बढ़ोतरी इतिहास में पहले कभी नहीं हुई है। अविश्वास प्रस्ताव लाने पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस संसद में कितने भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती रहे, लेकिन मोदी जन जन के दिलों में बसा है। विपक्ष पर हमला साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा गुनाह है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं और परिवारवाद के खिलाफ पूरी ताकत से खड़ा हूं। किसान कल्याण रैली में महागठबंधन को भी पीएम ने घेरा। पीएम ने कहा कि जब दल के साथ दल हो तो दल दल हो जाता है और जितना ज्यादा दल दल होगा उतना ही कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिलने पर अखिलेश ने राहुल गांधी को नसीहत दी। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। फतेहपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर तंज कसा। रामगोपाल ने दावा किया कि 2019 में मोदी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। पद्मभूषण गीतकार और कवि गोपाल दास नीरज के अंतिम दर्शन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगरा पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने बलकेश्वर में महाकवि गोपाल दास के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बसपा प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा ने कौशाम्बी पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कुशवाहा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी नीतियों के कारण आज हर तबका परेशान है। मऊ पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि गरीब अपना नेता तो चुन लेती है, लेकिन दिल्ली पहुंचकर वो दर्द भूल जाते हैं। नेता सुधर जाए तो देश सुधर जाए। महाराजगंज के विशुनपुरा में योगी आदित्यनाथ को जमकर मारा पीटा गया। हमलावरों ने योगी आदित्यनाथ को घेर कर गांव में बुरी तरह से मारा पीटा और उनकी गाड़ी तोड़ दी। मुगलसराय स्टेशन पर चेकिंग के दौरान जीआरपी ने 2 युवकों को 2 करोड़ की करेंसी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने करेंसी को कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बागपत के बड़ौत में युवक की हत्या का खुलासा नहीं होने से गुस्साए लोगों ने एक पंचायत का आयोजन किया। मृतक के पिता ने पंचायत में खुलेआम कहा कि अगर पुलिस हत्या का खुलासा जल्द नहीं करती तो वो सीओ बड़ौत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। लखनऊ पुलिस ने कुछ दिन पहले अपहृत हुए रवि कुमार को सकुशल बरामद कर लिया। रवि कुमार का अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही दोस्त राजकुमार गौतम ने किया था। बाराबंकी में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता को ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला। विवाहिता 4 महीने की गर्भवती थी। इलाहाबाद पुलिस ने शिवकुटी इलाके में हुए डॉक्टर की हत्या का खुलासा कर दिया है। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि पत्नी ने ही इन्हें अपने पति की हत्या की सुपारी दी थी। हत्या का सौदा 5 लाख रुपए में तय हुआ था। नोएडा में चोरी करने आए बदमाश ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है। बाराबंकी में देवरिया से लखनऊ मीटिंग में जा रहे एसबीआई जनसेवा संचालकों की कार कंटेनर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।